गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 4, बुक मूवमेंट्स, लेसन नंबर 4, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका मतलब है, किंगडम का मीनिंग होता है राज्य, फूल्स होते हैं मूर्ख, मूर्खों के राज्य में। लेट स्टार्ट द चैप्टर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में एक राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। They didn't want to run things like other kings. वो दूसरे राजाओं की तरह अपने देश को, अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते थे। So they decided to change night into day and day into night. इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम दिन को रात में बदलेंगे और रात को दिन में। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने हर किसी को ये ऑर्डर दे दिया कि हर कोई रात को जागेगा। मतलब उन्होंने रात और दिन को तो चेंज नहीं कर सकते ना हम, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि रात को हम दिन कहेंगे और दिन को रात। तो हर किसी को कहा कि रात को सभी जागेंगे और रात को काम करेंगे। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। उनके खेतों का काम, उनका जो भी बिजनेस है वो सभी अंधेरे के बाद ही शुरू होगा। मतलब रात को वो सारा काम करते थे, सोते नहीं थे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। जैसे ही सूरज आ जाएगा उस समय वो सोने चले जाते थे। एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो कोई भी इस ऑर्डर को नहीं मानेगा, डिसओबे करेगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोगों ने वही किया जो उन्हें कहा गया था, क्योंकि उन्हें मृत्यु का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब राजा और मंत्री दोनों ही इस प्रोजेक्ट, यानी कि लोगों को इस बात पे मनवाने के लिए बहुत खुश हुए कि वो लोग हमारी बात इतनी जल्दी मान गए हैं। इट वॉज अ वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन गुरु और उसका चेला, डिसिपल होता है चेला, उस शहर में आए। इट वॉज ब्यूटिफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बहुत बड़ा दिन चढ़ा हुआ था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सो रहा था। नॉट अ माउस स्टीरिंग, नॉट अ माउस स्टीरिंग, यानी कि कोई एक चूहा भी नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। इवन जो उनकी गायें भैंसे थी, उन्हें भी यही सिखाया गया था कि दिन में तुमने सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। वो दोनों स्ट्रेंजर थे, गुरु और चेला, वो दोनों ही ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वो बेचारे इसी तरह घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, अचानक से सभी लोग जाग गए। एंड वेंट अबाउट हिज नाइटली बिजनेस, और सभी अपने रात के व्यापार के लिए चल पड़े। द टू मेन वर हंग्री, अब दोनों को बहुत भूख लगी थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब उनकी सभी दुकानें उस शहर की खुली थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, वो दोनों कुछ सामान खरीदने के लिए चल पड़े। टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। उन दोनों की हैरानी की हद ही नहीं रही जब उन्हें ये पता लगा कि हर चीज़ की कीमत सेम है। अ सिंगल डुडू, एक रुपया या एक डुडू जो सिक्का था उनका वो। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, चाहे वो 1 किलो राइस खरीदते हैं, चाहे वो बनानास खरीदते हैं, बंच पूरा गुच्छा है ना, तो फिर भी उन्हें एक ही डुडू देना था। वेदर दे बॉट सॉरी इट कॉस्ट अ डुडू, इसकी कॉस्ट जो थी वो डुडू ही थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, वो दोनों बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, यानी कि उन्हें जितना भी खाना चाहिए था वो सब कुछ उन्हें 1 रुपये में ही मिल गया। वैन दे हैड कुकड एंड इटन, जब उन्होंने खाना पका लिया, खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु को पहचान आ गई कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर चीज़ की कीमत 1 रुपये है। दूसरी बात, यहाँ के लोग दिन में सोते हैं,
और रात में जागते हैं, अपना काम करते हैं। दिस इज तो वो राजा कहता है, सॉरी गुरु कहता है, एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और वो अपने डिसिपल से कहता है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रुकना नहीं चाहिए। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो। वो अपने चेले से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो चेला था वो इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। एवरी थिंग वॉज चीप हियर, हर कोई चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, उसके लिए क्या ज़रूरी था, सिर्फ और सिर्फ चीप फूड। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूड्स, गुरु ने कहा ये सभी मूर्ख हैं, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कॉन्ट टेल वट दे डू टू यू नेक्स्ट। उसने कहा कि ये मूर्खों का राज्य है, यह ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा और तुम ये भी नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे लिए अगले दिन क्या कर देंगे, तो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो चेला था वो नहीं माना। डिस्पल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू यू वॉन्ट डू वट यू वॉन्ट। अब डिस्पल नहीं जाना चाहता था, उसे गुरु की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो वहीं रहना चाहता था, तो गुरु ने कहा ठीक है तुम यहाँ पर रहो, मैं जाता हूँ। एंड लेफ्ट, चला गया वो। द डिस्पल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे। अब डिसिपल वहाँ पे रहने लगा और जितना उसे खाना चाहिए था वो खाने लगा, बनानास, घी, राइस, स्वीट एक्सेट्रा, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। और खा खा के वो इतना मोटा हो गया जैसे कोई बुल। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। इतना आपको समझ आ गया, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद अब ये जो राजा की अगली बात शुरू हो रही है, ये सॉरी राजा की कह रही हूँ, मर्चेंट की स्टोरी शुरू हो रही है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर इसे ध्यान से सुनोगे तभी चैप्टर समझ में आएगा। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट्स हाउस, एक उजाले के दिन में एक चोर ने अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई, यानी कि उसके घर में से दीवार तोड़ के वो उसके घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इट, उसने दीवार में एक होल बनाया और उसके द्वारा वो घर के अंदर चला गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे वो अपनी लूट को लेकर बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड। अब जब वो बाहर आ रहा था तो जो दीवार में उसने होल बनाया था वो दीवार उसके ऊपर सिर के ऊपर आके गिर गई एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी समय उसकी मौत हो गई चोर की। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका भाई राजा के पास गया और उसने शिकायत की, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एक्सीडेंट ट्रेड, कि जब मेरा ब्रदर अपना व्यापार कर रहा था उस समय उसके साथ ही एक्सीडेंट हो गया। अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ये मर्चेंट जिसका घर था वही दोषी है। ही पनिश फॉर द रॉन्गडर एंड द कंपनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, अब उसे इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसे जुर्माना देना पड़ेगा और इसकी फैमिली को मुझे कुछ छूट देनी चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, यानी कि मेरे को कुछ जुर्माना दे या उसको सजा दे, कुछ तो मिलना चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा ठीक है तुम्हारा न्याय ज़रूर होगा, डोंट वरी चिंता मत करो, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी समय ऑनर को बुला लिया। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 2 पेजेस आज इसके रीड कर लिए हैं, नेक्स्ट 2 पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय।